आयर रुइया के घोड़ावा पे लड़ी का बैठा घोड़ावा दी है लड़ाई घोड़ावा दी है लड़ाई करी नगीर लिया बैठा घर में अरे जानवा दी है ली कमाई रब जानवा दी है ली कमाई दो मासूम बच्चों को उसी समुद्र में छोड़ देता है और रानी के भर या कवारी धई के खींच के नैया में बिठा ले लस लग्गा मार के लेके भागे लगल प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। भाई साहब देखिए एक गांव ऐसे रहल आ वह गांव में दो जाति के लोग बहुत रहले अच्छा एक पंडित जी और एक बढ़ई अच्छा दोनों लइकन में बड़ा प्रेम रहल अच्छा लेकिन दोनों गांव से जान ले जा के पूरे गांव के जीव आजिज कह दे लेने बहुत रद्द चाल कर रहे बेचारे अच्छा उन्नर के चाल से पूरे गांव के लोग तबाह इतने नाही घरहू के लोग परेशान हो गए अच्छा माई बाबू परेशान हवे लेकिन घरा के दुल्हनियों कुल कहे हे भगवान ऐसन पति ने रहे तब बा ठीक बा कहे से की घुमक्कड़ मर्द जोन है कोनो काम के नहीं बा दोनों मित्र अपने में विचार कैले साहेब कैसे कि आज गांव भर के लोग जरत हवे लेकिन जब घरहू के लोग दुश्मन हो गए तब यह गांव में रहल ठीक नारी बा लेकिन दोस्ती में कहीं धोखा न होके पावे पंडित जी का लड़का कहले महाराज नहक में चिंता कैले हैं आप अरे अपने दादा के हाँ आरी बसली रुखानी लीला अच्छा अचल के केहू का अगर चूरा गढ़ देवा तो वो खाए के मिल जायी अच्छा बढ़ई का लड़का कहले ठीक बा लेकिन तुहार कहे हमहू चलते अपने दादा के शंख पत्रा ले ले थी अच्छा कहीं दुनिया में केहू के कथा कह के सुनैबे अच्छा। ना कुछ दे पाव भर सीधा पिसान देवा करी यह मन में विचार कह के दोनों दोस्त अपन घर छोड़ के अच्छा। मन में निश्चय कैले हले की मित्रता में धोखा न हो पारो महाराज अच्छा तो दोनों दोस्त आपस में विचार कह के और रतिये में सब सामान लेके घर द्वार छोड़ के चल दहले वाने लेकिन भजन के अंतरा में कैसे लखावत हुआ साहेब अच्छा आरनी बही मिताई कैसे आरनी बही मिताई अरे साहेब हो कैसे अनी बह मिताई साहेब हो रास्ता पकड़ ले हले लेकिन देखल जा भैल का ये महाराज दोनों मीते बढ़ाई और पंडित चल दे हले वाने घर से आय अरे अपने घर से मिले चले अरे उतर दिशा और जाई उतर दिशा और जाई I'm a
प्रिंस बली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाके दोनों दोस्त एक जंगल में पहुंच रहे हैं उत्तर दिशा में, तो पंडित जी का लड़का कहने की देखी महाराज ये जंगल का माजरा है, आई है जंगल में बाघ शेर मिल गई है, तमीते हमन के ऊपर वार कह दी है। तब का यह नाते अजोर जगह ही देख के वही जंगल में पंडित जी कहने कि चला यही रात भर सूत ले जाई, आधा रात हम सूतब तोहके जग तू रखा दिया, आई आधा रतिया जब मीते तू सुतवा तो हम तोहके जग रखा दे महाराज। ठीक बा, पारी पारा यही सुतौल कह ले जायी। अच्छा, वो सवेरे फिर कोनो राज्य में चला जाई। यह मन में विचार कह के दोनों दोस्त आज पंडित जी कलैका सुतल हमें बढ़ई कलैका बैठ के रखावत हम। अच्छा, आज अरे पंडित सुतल अरे बढ़ई रहे रखाई बढ़ई रहे रखाई। अरे बैठल नींद लगे लैका के आहो बैठल नींद लगे लैका के अरे यरिया पलिहल लड़का अपने उठाई साहे बहु कहिए सोचा था कि ये इसे बैठले से नींद लगी। अच्छा, आपन यारी वसूली उठा ले लस। अगला का अजा के जंगल में एक सूखल चंदन के पेड़ काट के बढ़ई कली का लावत है महाराज। अच्छा, आय अरे सूखल पेड़ कटे चंदन के अरे बढ़ई रहे भाई बढ़ई लावे भाई अरे लकड़ी का जब घोड़ा बनावे आहो लकड़ी का जब घोड़ा बनावे अरे रोची रोची घोड़ा बढ़ाई दीहला बनाई साहेब हो सुंदर लकड़ी का घोड़ा बना के तैयार कैले महाराज। इतने में उनके पारी खत्म हो गई। अब पंडित जी से कहले कि ये पंडित बाबा अब तू उठा दोस्त अब हमार पारी आ गई सूते वाली। अच्छा, पंडित जी देखले कहले दोस्त तू तो लकड़ी का घोड़ा बना देला बड़ा नीक काम कैला। अच्छा, अरे सवेरे तुहार तो घोड़ा भी का जाई चाय नाश्ता का जोगाड़ हो जायी। अच्छा अच्छा तू हूँ सूता अब हम कौनो जोगाड़। अब पंडित जी जागल हमें तक कैले का महाराज। हाँ भाई, आज अरे बढ़ाई सूते हर पंडित रहे रखाई पंडित रहे रखाई हर पंडित चलने वही बनवाने आहा पंडित चलने वही बनवाने महाराज की जय। पंडित महाराज जाके जंगल में रुई लगने बिटोरे सेमरे के और सेमरे के रुई बटोर के ले आके उहो लोही रुईया के लपेट लपेट लगले घोड़ा बनावे। अच्छा, दोनों दोस्त के टाइम पास हो गई बढ़ई कलई का लकड़ी का घोड़ा। अच्छा, अब पंडित जी बना दे रुई वाला घोड़ा। अच्छा, इतने में जब सवेरा भइल दोनों दोस्त जंगल से बहरे निकल के गइलन। अच्छा, तो एक गांव में पहुंचल हमें
वह गांव के लोगन से पूछे लगलन कि ये भैया लोगन कहीं बाजार लगे ले कहना हाँ हमरे राजा साहिब के दुआरी प्याज बाजार लगी आ वही सौदा बिका जई है महाराज। दोनों दोस्त जाके सवेरे से राजा के दुआरी पे घोड़ा लेके बैठल हवे। इतने में घोड़ा खुद मुहे मुह बोले लगले महाराज कैसे लकड़ी वाला घोड़ा कहता कि हे बढ़ई कलैका हमार दाम तूने बतैया। अच्छा तब बढ़ई कलैका बड़ा सोच में पड़ गए कि बाप रे बापी लकड़ी होके बोलत बा एकर मतलब हमन के नसीब कुछ साथ देत बा। तोले रुइया वाला कहता हे बाबा हे तू हाँ ने हमार दाम बतैया। अच्छा अबहू बोली ला। अच्छा पंडितो जी बड़ा गदगद होइले कि हमार रुइयो वाला बोलत बा। अच्छा दोनों जने सन मार के बैठल हवे आ दोनों घोड़ा समझा के बैठा देले इतने में ग्राहक आ गइले। अच्छा जब ग्राहक पूछे लगले भैया का दाम बात कहे घोड़वन से पूछा। अच्छा तो जो घोड़ा से पूछे लगले कि ये घोड़ा का दाम बा। अच्छा घोड़ा कुल कहे लाख लाख टका। अच्छा लेकिन बाबा सांझ हो गई घोड़ा केहू खरीद लो नहीं अरे घोड़ा ना बिकले आज घोड़ा जब संझाले ना भी कहले तो दोनों दोस्त मारे भूख के पी परेशान हुए। अच्छा सोचा था नहको में हमने ऐसा ऐसा जाल में फंस गयी घोड़ा बिकाते ना हमें तो कहाँ से दाना पानी। इतने में राजा साहब अपने धौराहर से देखत रहे। अच्छा राजा कहे कि मेरे सिपाहियों जाओ भाई देखो हमारे बाजार में दो नए सौदागर आए हैं। अच्छा आई दोनों नया सौदागर हमें हमारे राज्य के नाई हवे। अच्छा इन्हन का सौदा नाई बिकाइल बा। अच्छा आई अगर सौदा घूम के चल जाई तो हमारे राज्य के बड़ा निंदा होई कहिया कि वहाँ के लोग ठीक नहीं थे हमारा घोड़ा नहीं बिका। राजा साहेब आज सिपहियन से कहता ने महाराज। अच्छा अरे सुन बात सुन बा भैया हमारी बात भैया लोगन का दाम बा तुहरे घोड़न के। बढ़ैया पंडित जी कहले कि हमन के एकर दाम ना बतैबे। महाराज ही घोड़वन से पूछल जा। रुई और लकड़ी के घोड़ा से पूछे लगने राजा के सिपाही कि भैया लोगन का दाम बा। तो दोनों घोड़ा मुंह मुंह बोलता है कि लाख लाख टका दाम बा। आज अब इतना बात सुन ले हुए सिपाही कहलन की बेचारी तबत ही कुल भी कहते ना हम। अच्छा दोनों सिपाही जाके राजा के दरबार में पहुँचले कहना महाराज की जय हो हे राजन ये दो 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 लाख रुपए का दोनों घोड़ा है एक एक लाख टका मांग रहे हैं महाराज। अच्छा राजा कहले कि जाओ घोड़ा को खरीद कर लाओ क्योंकि हमारे मान और सम्मान को बचाओ। अच्छा इतना बात जब सुन ले हुआ सिपाही चल रहे अंतरा में किसी चले सिपाही फिर दुआरा पर जाई
बिहारी लाल की जय। आप देखी महाराज, दोनों घोड़ा राजा साहेब के घरे जब पहुँचे हमें, तो राजा कहने की बताइए लकड़ी या रुई का घोड़ा। सिपाही कहने अरे महाराज दोनों बोले न, अरे कहना लकड़ी या रुई का घोड़ा कोने काम के ले जा, कुल भूसौला घरे में फेंक दा। लेकिन ये बतिया जब राजा का लड़का सुन ली हमें, राजकुमार जब सुन ले हमें कि हमार बाबू पगला गए हमारे लकड़ी और रुई का घोड़ा खरती दू दू लाख टका रुपया दे दलन। लड़का आए के दरबार में पहुंचल है राजा के सामने, आये अरे अगर के लड़का चंद्र की जय। आज लड़का जब बात सुन के राजा कहने बेटा ये मान सम्मान बचाने के लिए हमने 2 लाख रुपया दिया है। अरे रुपया तो फिर आ जाए लेकिन सम्मान चल गए ले पे नहीं नहीं आई। लड़का कहे ठीक है पिताजी, आपको दोनों घोड़ा कहाँ रखे हैं? कहे बेटा वही भूसौलहवा घरे में फेंकवा दे है। लड़का मारे गुस्सा के मारे गए वही रुई या लकड़ी घोड़ा लगे। अच्छा लकड़ी वाले घोड़ा से पूछे लगन के, आए लकड़ी वाले तुम्हारे अंदर क्या गुण है जो तूने मेरे बाप से लाख टका लिया है? लकड़ी वाला घोड़ा कहा महाराज आप हमारे पीठ पर बैठ जाइए, आपको देश विदेश का भ्रमण करवा कर शाम तक अपने घर लाएंगे। कहे ठीक है। रुई वाला घोड़ा तुम बताओ तुम्हारे अंदर क्या गुण है भैया? रुईया वाला कहे महाराज हम सूर्य ऊर्जा वाली शक्ति हैं। जब तक आकाश में सूर्य भगवान रही है तब तक हम ऊपर उड़ब, और जब सूर्य भगवान डूब जाई है तो हम नीचे आना। कहे तो चल भैया तोरे चाल देख ले कि दिन भर में कहाँ लेते चला ले। अच्छा रुईया के घोड़ा वा पे डूबे लगल है। अच्छा। घोड़ा धीरे धीरे नीचे उठाए लगल महाराज। अच्छा। तो दक्षिणावर्ती के जो राजा रहे अच्छा। वही राजा के ठीक जाके घर ही पे घोड़ा उतर गई महाराज। अच्छा। जब घोड़ा नीचे उतर गई बाबू तो लड़का सोचा था अब तक साँझ हो गई रुई घोड़ा हमार उड़ी नहीं। अच्छा। काखी तरह घोड़ा दबा के जब नीचे उतरे लगल है तो नीचे देखा ताना कि वह राजा के इकलौती राजकुमारी 16 साल के उम्र वाली जवान बिटिया जब एक अजनबी लड़का के देखल स्तर लगल शोर मचावे। अच्छा। आ यार चोर चोर मचावे का एकलौता राजकुमार
दक्षिणावर्ती में घोड़ा लेके आके पहुँचल हूँ। अच्छा। अरे दोनों मीते लाख लाख रुपया जब पा गई है। अच्छा। तो वापस अपने घरे सब चलिए। अच्छा। आ जब घरे आ गए तब पैसवा कुल झूठा ही गिन। अच्छा। तो मेहरुआ कहे हमार सैया हमें, माई कहे हमार बाबू हमें। अच्छा। दादा कहे हमार बेटवा हमें। अच्छा। तो पैसा के लोग ही देखल जा, वही पैसा के लालच में सब चिन्हे लगल। अच्छा। और लड़के दोनों विचार करे लगले कि बस ये हमन के कमी रहल की पैसा नहीं कमाता। तो स्वार्थ बस इस संसार के रीति है, स्वार्थ के पीछे दुनिया लगल बा। अच्छा। दोनों लड़के अपने घरे पहुँचले लेकिन अपन विपति राजा के घरे छोड़ अल। राजा का लड़का हेरा गए जाके दक्षिणावर्ती यानी विदेश में लड़का पकड़ा गए। अच्छा। राजा पूछे लगल की आखिर तू कहाँ के रहे वाला हवा। राजकुमार कहले सरकार हम उत्तराखंड का हैं। अच्छा। लेकिन हमारी रुई का घोड़ा उड़ाला और जहाँ शाम हो जाला वही हमारा घोड़ा नीचे गिर जाला। राजा कहले बाप रे ऐसा लीला हम ना देखले हली। अच्छा। ये झूठ बात बा कि रुई का बो उड़ नहीं सकाला। कहले सरकार आज रात भर हमके छोड़ दे जा, सवेरे हम अपने घोड़ा का चाल दिखा दे। राजा कहले ठीक है, रात भर इसको जेल के अंदर बंद करो। अच्छा। आ सवेरे जब घोड़ा के चाल नहीं दिखी है तब इनके सजा देहल जाई। अरे हुआ सवेरा जब दिन निकला वक्त सुबह का आया, वक्त सुबह का आया। घोड़वा का जब चाल देखो ना तो राजा बड़ा खुश भइल। सोचे लगले कि ये कोई अच्छा लड़का है। अच्छा। कि रुई का घोड़ा जब उड़ा के दिखावा तो तेरे अंदर कोनो गुण बा, ऐसन गुणवान व्यक्ति हमके नहीं मिली। आज राजा साहेब पूरे गांव के नगर के लोगन के सामने कहे बेटा ये मत समझो कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगा, सजा तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारी यही सजा है कि सारे गांव वालों के सामने मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। यहाँ का राज और पाठ सब कुछ तुम्हारा है। अब जान लहन जा ससुरारी में निवासा मिल गई और सुंदर दुल्हन मिल गई महाराज भैल का। आज ससुरारी में रहे लगले अब माई बाबू के सुधिए भुला गई। अरे कुछ दिन बीतल ससुरारिया में सुंदर नारी अब 5 साल का एक बेटवा हो गए, दूसर का बच्चा रानी के गर्भ में। राजा रानी दोनों ऐसे अपने दुआरी पे एक दिन बैठल हुए। अच्छा। इतने में एक ठे शराब पिए वाला मने ही पहुंच गए, पहुना लगत रहले उन राजा साहेब। अच्छा। आऊ आके दुआरी पर जब देखल की पहुना दुआरे पे बैठल बाने। अच्छा। ऐसन कुबोली बोल दहलस ऐसन गरिया दहलस कि राजा कमुड़िया तरे हो गए लेकिन दुल्हन के बड़ी अवहल। अच्छा। बतावा ई दू कौड़ी के मनई एकर औकात नहीं रहल हमरे पति के गरियो लेके। अच्छा। लेकिन ससुरारी कर रहल ठीक ना हो, अपने पिया से दुल्हनिया कलस की सैया हो इन नैहर कर रहल ठीक नाई बा। अच्छा।
अब हमें अपने ससुरे ले चला, अपने सास ससुर के सेवा करके अपने जीवन के हम धन्य बनाई। यहाँ नैहर में रह के अपने मर्दे अपने सास ससुर सबके गरियवाई ठीक ना। तब यह लड़का के याद पड़ल किया भगवान, पता जाना हमार माई बाबू कैसे हुई है, तो ढेर दिन हो गए। कलश के हे ब्याही, हम लोग आज ही अपने वतन को चलेंगे। कहानी नाई सैया, हमार दिना करीब आ गई बा, हमार गारे वाला दिन निभुक जाए दो, ओकरे बाद हम मन के अपने घरे चल चलल जाए। राजा कहले हमार रुई वाला घोड़ा सुबेरे बैठा तो सांझ के अपने दुआरे पर उतार दे। अभी हमन कोनो विचारत ना कहे से अपने घर से चल ली तो तुहरे घरे सांझ के पहुंचल रही। रानी काली ठीक है, हम लोग अपने अपने ही वतन को चलेंगे, महाराज यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। राजा से जाके विदा मांगे लगली कि पिताजी मैं अपने वतन को जाना चाहती हूँ। राजा कहले बेटी पिता हमारे मुँह के बात छीन ले ली, जा बिटिया अपने घरे अपने सास ससुर का सेवा करा, अपने जीवन के धन्य बनावा। विदा हो के दोनों परानी चल रहे वाला महाराज। आय अरे राजा रानी अति परानी, घोड़ा पे बैठे भाई, घोड़ा पे बैठे भाई। दर्द चालू होवे लगल, बेचारी रो रो के विनती करे लगल कि हे स्वामी घोड़ा कहीं नीचे उतार दे सैया। रो के आज समझावतनी विनती करत वाली बेचारी। अरे सुनबा, अरे सुनबा ए स्वामीनाथ, हमारी हो बा अचानी। राजा सोचा तड़ाया भगवान नीचे तो सब जला जल है, अगर जल में हम लोग नीचे उतरेंगे तो हम लोग डूब कर मर जाएंगे। आज अपने रानी के समझावा ताटे राजा, नीचा बाबू तरब हो ब्याही, नीचा बाबू तरब हो ब्याही, जलवा डूबी हो मारा। कुछ दूर जब बढ़ल हवा तो वही समुद्र में एक छोटा
स्टील मिला महाराज, जहाँ एकदम रेता रहा टापू, टापू मिल गए। वही समुद्र में एक टापू में जाके घोड़ा नीचे उतार दिली हम। अजय ही रानी घोड़ा से नीचे उतरिया, तब तक दूसरका लड़का के वही जन्म हो गयी। अजब एक बेटवा के और जन्म हो गयी, तो राजा रानी दोनों बड़ा खुश भैले कि चला घरे जात जात दू गो लड़के हो गए। लेकिन इनारे व्यवहार सहित लेके हम जेबे कहाँ, कल हिरानी दोनों लड़कन के लेके तू यही टापू में पड़ल रहा, हम जातन यही दक्षिणावर्ती से एगो धागरिन बोलाए के ले आवत है। अब राजा रुई के घोड़ा पे बैठ के धगरिन बुलावे चल दे हले। आ दोनों लड़कवन के लेके ईरानी बेचारी वही बीच समुद्र में टापू में पड़ लिया कि भाई का महाराज दक्षिणावर्ती में जाके राजा कहले का आय अरे धगरिन धगरिन भाई के धगरिन हो तो हमारे साथे चले नार व्यवहार छीने उनके बढ़िया इनाम अकराम दिया। इतना बात सुन ले धगरिन महाराज, तो धगरिन बेचारी तैयार हो गए कालस की महाराज हम चलत है। तो धगरिन पहले के होशियार रहली, सौरी में जाए तो एक मुड़ा गोईठा ले ले, आगी सुलगा ले, लोहा ले ले। अब बेचारी ऐसे काम कैलस की एक मुड़ा गोईठा सुलगा के आ एक ठे मुर्दा हसुआ ले काखी तरे दबाई के आ जाके राजा के वाले रुई वाले घोड़ा परे चढ़ गए लिया। आ जब रुई के घोड़ा पर चढ़ गए राजा घोड़ा उड़ा दहलन महाराज। अच्छा आ अरे रुई के घोड़ा पे धगरिन बैठे अरे घोड़ा दी हले उड़ाई, घोड़ा दी हले उड़ाई। आज रुई के घोड़ा में जब आग लग गई तो रुई का घोड़ा जरे लगल, आ धगरिन या राजा दोनों वही समुद्र में गिर गए हमें महाराज। आय अरे धगरिन गिर लिए राजा जब कुछ दूर तैर के जब बहरे गये लेकिन ये नहु के जब पानी वानी पी ले नहु के देहिया मूर्छित हो गये। समुद्र के किनारे एक तट पे जाके जब परल हुए तो दक्षिणावर्ती के एक राजा जो वैश्य समाज के यानी बनिया समाज के काम करते रहे महाराज। आज वो राजा जब देखले हुए कि एक सुंदर राजकुमार ये समुद्र के किनारे, राजा सोचे लगलन की इतना सुंदर मुंदर लड़का के आखिर कैसन बात बा, लड़का के बोहरे जब निकार के आज जब देखे लगने तो लड़का जीवित नहीं है, राजकुमार जिंदा है।
जब इनका इलाज होए लगल आ जब इनके होश आयल बा त राजा पूछे लगले कि मुन्ना बतावा है दुनिया में तुहार के बा। लेकिन लड़का कहता महाराज इनका याद दास खो गई, लड़का के अपन बीतल बातों के याद नहीं बा कि हमार दुल्हन उपनिया में दुगो लैकन के साथ ही बा। कहता महाराज हमारे राजा घरा राजा सोचे लगने कि इतना सुंदर लड़का मिल गई बा, जब दुनिया में करे केहू बटले ना आई बा तो हमारो एक जवान बिटिया बा और बिटिया से बियाह कह दे तट राजकुमार के राजा लेके गए अपने घरे आ एकलौती राजकुमारी के बियाह धोरौनी है लड़का के साथ है। आ जब दूसर बियाह हो गई तो अपन यही राज लगने करे। लेकिन पनिया वाली दुल्हनिया का हाल सुनी महाराज आज बेचारी धीरे धीरे जब रात हो गई चारी ओर से समुद्र के लहर जब मारे लगल तो आज वो दुल्हन के जीव घबराए लगल कि ये भगवान सैया हमार धगरिन बुलावे गई ले आज ले बहिन ले ना आई लल। दुगो मासूम लड़का लेके वही पनिया में सोचत या रोवत या कि अब का हुई कैसे दिन बीती भगवान से एक नाय वाला बनिया विदेश में लेके अपन सौदा जात बा महाराज। लेकिन जब सौदा लेके जात हो तब तक हैरानी का नजर वही बनियावा पे पड़ल हो। वह नाय वाले से रो रो के कहतानी रानी हे भैया हमारे अभी पतिया में भैया ओ हमारे पतिया में भैया बनिया जब देखले भाई एगो सुघर मेहरारू सोचे लगल कि आज सागर देवता हमरे पर प्रसन्न हो गई बाने इतना नीक के दुल्हन कैसे ये भी समुन्दरवा में भेटा गई महाराज। बनियवा कहता कि हे रानी
अब रोवले से काम ना चली, हम पूरा जिंदगी तुहार साथ निभावे बदे तैयार हैं। रानी रोरो कहली भैया कि हम पूरे संघे रहे बदे तैयार हैं, लेकिन देखी संगवा में हमरे दूगो औलाद हम, हमके हमरे बचवन के दोनों के लेके चला भैया, तू जवन जवन कहबा हम तवन तवन करे बदे तैयार हैं। आर जवन जवन कहबे पाइया तवना तवना हो कहना कलश की रानी, अब हम तोरे संगे रहा तुमके जीवन में ना बिसराई, आज जाए के नैया ले जाके वही टापू में पहुंचल। रानी से कलश के, हे रानी चला हमरे संगे पूरा जीवन तुहार साथ निभाई मैं। काली भैया हमरे लगे दू गो लैका हुए, ये हमरे दोनों मासूम बच्चन के संगे ले ले चला, दुनिया में कहीं भी खबर मांग के खा के जीवन अपन पाल ले भैया। लेकिन सोचे लगल नैया वाला कहत बा कि रानी अरे ई जब एकर बाप ही इतना भइल त ई दोनों लइका के लेके हम कहां जइबे हो, ई दोनों के यही छोड़ दा तू संगे हमरे चला, जबरियन नैया में खींच के बैठा ले से बाबा। आज वह पापी के मन में दया ना आइल, दो मासूम बच्चों को उसी समुद्र में छोड़ देता है, और रानी के भर यकवारी धई के खींच के नैया में बिठा ले लस, लग्गा मार के लेके भागे लगल। रानी को आवाज छान के रो रो कहत आनी कोई करे सहारे रही है दूनो खबर बाचा ले यारे दूनो खबर बाचा ले हो सुना भैया ध्यान लगाई नवरा यार रामा हो सुना भैया ध्यान लगाई नवरा। लेकिन वह अप्पा जी कहता है कि चलो चलो हमारे साथ, अगर हमारा तुम्हारा साथ होगा तो फिर से बच्चा हो जाएंगे। उन मासूम बच्चों को छोड़ करके वो अप्पा जी रानी को जबरदस्ती लेकर चला जाता है। लेकिन आज वो बड़का बिटुआ अपने छोटके भैया के गोदिया में लेके कारण कई कई रोवत बाए भगवान, अरे कब तू ही लिख लाए ब्रह्मा हमारे करामा बाहू किया हो रामा भागिया में अगिया हमारे लागल किया हो रामा भागिया में अगिया हमारे लागल। लड़के रोवत हो महाराज, और वही समय में एक हंस और हंसिन के जोड़ा वही समुद्रवा से पार हो खत रहे हो, अतौली हंसिन के नजरिया पड़ गई भाई बाबा। अजब हंसिन का नजर पड़ गई बा तो कहल माई के कलेजा दूधे के धार होला। हंसिन कारी ने हंसा ई मनई के लैका हवा कुल देखा तला कितना नीक निकले के दोनों नारे व्यवहार सहित रे बाप छुटका बा। हंस कहले कि ये हंसी मनई के लैका हवे हमन के का सहयोग कई सकीला। हंसिन कालिन की ए हंस हम नैन के लैकन के निकार के कोनो किनारे कई दिहल जा। अरे दुनिया में बहुत ऐसा लोग बड़ा हो कि जय है बचवन के पाल पोस के बड़ा कई दे महाराज, लेकिन हंसा तैयार नहीं होता ना। हंसिन कहलिन सुना अगर जो है लैकन के हमन के कोनो किनारे ना लगेबे तो भगवान हमन के बख्शी है ना श्राप दे दी है। इतना बात जब सुन ले वहां हंसा और हंसिन दोनों तैयार भइले, जा के समुद्र के बाहर से लकड़ी तूर के ले ले कुलिन बेचारे, आई अपने चोचे में बजा के दोनों गुड़वा में फंसा के कहने की ये मुन्ना बड़के बिटुआ से छोटका बेटवा बनी छोटका भाई के गोदी में लेके लैका, आ वही हंसा और हंसिन के सहारे समुद्र पार होता लैके महाराज।
जाके वो हंसा और हंसिन ले गए ना दोनों लड़कवन के जहाँ ओकर बाप दूसर शादी कई के राज करत रहले महाराज। वही सिवाने में समुद्र के किनारे लैकन के छोड़ के हंसा और हंसिन वही से चल दहलीवाने महाराज। आउ बड़का बेटवा छोटके मुन्ना के गोदी में लेके आ वैसे रहिया धैले जात में झूमत झामत कहाँ जाई के करे घरे जाई। लैकवा सोचाता रो रो कहत बा बाबा रोई रोई तलबे ही डाला बिचारे सीमाना हो एगो पुरनिया बूढ़ी एकदम 70 साल का पुरनिया रहल बेचारी आ जाति के वो कोहाइन बेचारी खाड़ी बनावे बदे सिवनवा में अपन गोइठी बीनती रहल बेचारी। लेकिन बुढ़िया माई जन्म के बाधिन रहल भगवान उनके एक्को औलाद ना धेले रहे। आज बुढ़िया के जब नजरिया पड़ल बा तब बुढ़िया दौड़ल आवत आनी बेचारी आया के लैकवन के लगे जब पहुंचल वाली हो सूरतिया निहारतिया हे भगवान इतना सुघर लैका हम कहा से पा गेली सीताराम। पूछे लगली बुढ़िया माई अरे सुनबा तो सुनबा बेटा अरे हमारी बचनिया हो एकिया हो रामा कहाँ बाण माई आवे बापन माई हमन के घर न दुआर माई रहल छोड़ के चल गए बाप रहल पहले छोड़ के फरार हो गए भम्मन के दुनिया में केहू नाई बाए माई। ये बतिया जब बुढ़िया माई सुन ले हैं हो कल रे हमार बेटा अब ये बात न कहिया कि हमरे दुनिया में केहू नाई बा चला हमार बचवा हम तुहार माई हैं आज से अब तुहार दादा घरे बाना चला हमार हीरा लाल। आज छोटके लैकवा के गोदिया में लेके बुढ़िया अपने अचरवा तर लुकवा लेल सो अब बड़का बेटवा पाछे पाछे अब चल दहली बने बुढ़िया माई लेके जाती है लेकिन यंत्रा में कैसे देता है साहेब। आज अरे गोदिया में बालक लेके बुढ़िया अरे धैल जगरिया में जाई धैल जगरिया जाई जाके पहुंचे अपने घर में बुढ़िया तरहली मन पे खुशियां मनाई साहेब हो कैसे बहन आई साहेब हो कैसे। लेकिन देखी भगवान कलीला आज दोनों लैकवन के पालन पोषण वही कोहरौटी में हुए लागल। आज वो बुढ़िया बड़े जतन से दोनों लैकन के पालतिया ए बाबा। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतल बा लैके सयान हो गए
लइकवा हाथ जोड़ के अपने माई से कहत रहे कि माई हो सुनबू त सुनबू माई हमारी बचानी हो सुन ले तू दादा लाला राजा के पास आओ देव को नौकरी लगाई जाई के कहनी माई वही राजा लगे गई लिया बुढ़िया जोने राजा कई लईकार हो कुल महाराज लेकिन बारी भगवान बुढ़िया भाई जाके जब विनती कैलन की सरकार हमरे को लईका बा कोनो नौकरी लगा दे महाराज राजा कहने बुढ़िया माई ले आवा पहले तू अपने लईकवा के देखावा लईका करे जाके बुढ़िया आज राजा के सामने खड़ी कई देलो लेकिन राजा या पर लईका नाई चीन पौने महाराज सूरतिया देख के सोचा ताने की बाप रे बाप इतना नीक लईका ये बुढ़िया के घरे कहां से आ गए राजा वो बुढ़िया से कहता टे महाराज ए बुढ़िया माई ई तोहार लईका हमें कल हा महाराज राजा सोच में पड़ गए कि हमरे इतना बड़ा राज और पाठ बा भगवान ये को औलाद राय हमके दे हमें आई गरीब बुढ़िया के घरे इतना नीक करे औलाद कहां से कल ये बुढ़िया माई तोरे लईका के नौकरी लाग गई आज नौकरी बिटवा के लग गई घाटे पर के मुंशी बन गई महाराज नौकरी लईका करे लगन वही राजा के दरबार में जिकरे बाप कब राजपाट रहते करे लईका आज नौकरी करत बा धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतल बा तो छोटको लईकवा सयान हो गई आज जब छोटका लईकवा सयान हो गए तो कल से माई भैया हमारे अकेले मेहनत मजदूरी कई के हमके पाल पोस के बड़ा कई लन माई जय तू राजा से कही के हम हो के कोनो नौकरी लगवा दे तू आज देखी छोटका लईका बदे बुढ़िया माई जाके नौकरी मांगत यती हो कहत यदि राजा से हमारे तो बात हो राजा अय कबो यौरी ला अलाना आरे लगाइए राजा हे महाराज हे बहु के लगाइए राजा हो कावानो हो नो कारिया अरे गरीबिया मेरा ये सीताराम ओ हमर गरीबिया मेरा मा ओ की ना हो सा आहाईया आज बुढ़िया माई के बात सुन के राजा साहब सोचे लगले कहना ये बुढ़ी माई तुहरे और लईका कह हाँ सरकार एक छोट के बा कहना बुढ़िया माई ले आवा बोला के देख ले आज ओहू लईकवा के जब राजा देख ले तो इनके करजवा में साला तसुरतिया हे भगवान कैसन सुघर सुघर लईका ये बुढ़िया माई के बाटे हो भगवान हमके एको नाई देला कहे ये बुढ़िया माई चला तुहरे बेटवा के नौकरी लगा देली आज से घाटे पर के चौकी दार रही अब पा गए चौकीदारी वाली नौकरी महाराज लेकिन भगवान के लीला देखी जब कुछ दिन बीतल जोरे लईका के माई नैया वाला लेके भागल लाल हो वही घटवा परे उहो नैया लेके आई गई आ जब महतारी के लेके आयलू नाई पे दुल्हन के छोड़ के आके ही लईकर के सामने हिसाब देत बा आ वही दिन ही छोटका लईकवा के बड़ी जबर से नींद लागे लगे लईका कलश के भैया आज हमारे बड़ी नींद लगतिया बड़का भैया कलश ये मुन्ना गरीबी बड़ी लाचार बा अगर जो सूत जईबा राजा साहेब हमन के नौकरी से निकार दी है तो दिना हमन के बुराया जाई हे मुन्ना
लइकवा कहा था नाई भैया हमरे बड़ी जबर नींद लगतिया। लइका के बात सुन के आज बड़का भाई ये छोटका मुन्ना के खिस्सा सुनावा था, उहे कहानियां बतावत बा जवन इधन पे बीतल रहल। कहले मुन्ना सुतले से काम ना बनी, अरे एक राजा था वो रूई के घोड़े से चलता था, अब है अपनी रानी और अपने बच्चों को छोड़कर समुद्र में चला गया। माँ ऐसी अभागन थी जो अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे के साथ चली गई, तो बताओ वो दोनों मासूम बच्चे कैसे समुद्र में जीवित है मुन्ना। ई बतिया जब रानी सुन ले है तो दुल्हनिया सोचत अरे भगवान ई बतिया हम जानीला की ते बनियवा जानेला कि तो हमारू भागे वाला पति जो हमके छोड़ के चल गयल, या तो हमार बड़ा बेटा ई बात के जानाला। धन है महतारी आज जब वही से नैये से ताकत या तो आज अपने लइकन के पहचान गयी ने बाबा कि तो हमार दोनों लइके में हम लगल वही नैया में दहाड़ मार के कारण कई कई रोए हमारे के हे विधना आखिर तू का भाग में लिख दिया विधाता। लेकिन वो नाय वाला जोन बनिया रहल जोन उनके भगा के ले गए हल, सोचा था कि यह दोनों मिला हमारे दुल्हनिया के कुछ काले है तब्बे से ही रोवत। राजा के सामने जाके कहा था कि जो नौका सिपाही तोरे घाटे पे आये हम कुल, आज हमारे दुल्हन के साथे कोनो छेड़खानी कैले हम कुल, हमारे दुल्हनिया रोवती बा महाराज। भाई ले बोलावा दुलारी करके हर सभा में जुट जाई, हर सभा में जुट जाई, हर जा पहुंच राजा के लगवा। राजा पूछे लगले कि बताओ तुम लोगों ने ये भी हमारा ही नौकर है, आखिर हमारे नौकर की रानी को क्यों छेड़े हो उसकी पत्नी को। तल्लईकवा कालस की सरकार हम केहू मेहरारू देखबे ना कैली, ई नाहक में लांछन लगावता, अगर एकरे स्त्री के बुलावल जा अगर जो इनके दुल्हन कह देती है इनकी हमने कुछ कैले है तो सरकार हमन फांसी पे चढ़े बदे तैयार है। तो जाके नाय वाला अपने दुल्हन के पकड़ के ले आए चल भी हो आयर पकड़ के बहिया की चिल्लावे, अरे राजा के लग जाइए, राम राजा के लग जाइए। आज गुड़वा पे गिर के रानी रो रो कहतानी सैया हमारा से भैया।
लेकिन हमार मासूम बच्चा तुहार का बिगड़ले रहे न सैया ए सैया वापस आवे लगल। राजा सोचा था ना कि भगवान ही तो हमार लगाता पुरान जान पहचान बा। गौर से जब देखे लगन सर के भुलाइल बात याद आवे लगल हो। सोचा था ना ही तो हमार पहल की रानी हो। ये हमार मासूम बच्चे हमें दोनों। राजा साहिब तुरंत आदेश के लिए बने कि यही दुअरवे पे एक ठे गड्ढा बनावा गटाई भर गहीर। गटाई भर गहीर गड्ढा खोदवा के अब हन्नाए वाले के वही में गढ़ावा में डरवा के मट्टी से हुरवा के एक कूड़ा दही भेली डरवा के कुकुर से बुलवा के निचोवा दे। तुरंत धामन बुला के बुढ़िया माई के बुलवा ले हमें और बुढ़िया के सामने हाथ जोड़ के राजा कहत का वाले महाराज समुद्र के किनारे ई मासूम बच्चे दोनों फिरत रहे। अरे हई हमार छोटका मुन्ना नारे व्यवहार सहिते रहल सरकार। बड़ी जतन से हम पलले हई महाराज इतना बतिया जब राजा सुनले हुए बुढ़िया के गोड़े गिर गए कि माई ई हमार दोनों लड़का हुए। ए माई हमार लड़का तू हमके दे दा माई और राज आपका है। यह राज्य में जो वस्तु मिलता है उस पे आपका अधिकार है। आपके बच्चे हैं तो आप इन्हें ले लीजिए महाराज। बुढ़िया बेचारी खुशी खुशी से राजा के लैकन के समर्पित कर दे बेचारो परानी अरे खुशी भाई खुशी मनावे भाई अरे अपने मन में राजा सोचे छोटका बिटवा यही का राजपाठ लेके और छोटकी रानी के लेके राज करे लगने। लेकिन ये तीनों परानी अपने वतन के जात वाले महाराज आय अरे राजा रानी ये तीनों परानी अपने वतन के जाई अपने वतन के जाई। अरे जा पहुंचे तीनों अपने राज्य में जा पहुंचे तीनों अपने राज्य में जाके
जब जुटल हवे तो राजा के मंत्री देखले हवे तो पहचान गेलन की बाप रे बाप इ राजा के बेटवा पतोह नाती सब जुआ गए। लेकिन ई बुढ़िया बुढ़वा रोवत रोवत बेटवा के वियोग में आनहर हो गेल हन। रातों दिन माई बाबू कल पे हाय बेटा बेटवा के वियोग में महतारी अब बाप दोनों अंधा हो गेल बा महाराज। हाथी हंसार मर गए घोड़ा घोड़सार राजपाट सत्यानाश हो गेल बा। लेकिन बाहरी भगवान बेटवा के जब नाम सुनले हमें माई बाबू तो अनहरा अनहरी दोनों लगल धुधुआ इल दौड़े बेटा बेटा हाँक लगावे लगले महाराज। आयो रे बेटवा बेटवा हाँक लगावे आयो तू न हो न दौड़े भाई पाँच परानी इकट्ठा भइले आ